नमस्कार दोस्तों, फूड रिवाइंड में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मसूर दाल और उबले हुए अंडे से बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी शेयर करूँगी। इस तरीके से आप ये रेसिपी बना के एक बार ज़रूर देखिएगा, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो रेसिपी देखिए, पसंद आए तो लाइक कॉमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं और आज के लाइक का गोल रखते हैं 1000। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया यहाँ पे 3 उबले हुए अंडे और आधा कप मसूर दाल। दाल को मैंने अच्छे से 2-3 बार साफ पानी से धोने के बाद मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। दाल अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो चुका है और जो एक्स्ट्रा पानी था उसे मैंने निकाल दिया है। अंडे को अभी हम रखेंगे साइड में और दाल को मिक्सी के जार में डाल के हम पेस्ट बना लेंगे। तो जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अच्छे से हम पेस्ट बना लेंगे। दाल को मैंने अच्छे से पीस लिया है, 2 से 3 चम्मच पानी डाला और अच्छे से पेस्ट बना लिया। बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है हमें। देखिए, रेगुलर वाले जो चम्मच हम यूज़ करते हैं उसका 3 चम्मच पानी डाला इसमें। डालेंगे हम 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे आधा प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। डालेंगे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा, और डालेंगे 1/3 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। अच्छे से एक बार हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और तीनों उबले हुए अंडे को हम यहाँ पे ग्रेट करके डालेंगे। डालेंगे हम यहाँ पे 2 चम्मच बेसन, पहले हम बेसन को दाल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही हम डालेंगे यहाँ पे अंडे को ग्रेट करके। इस तरीके से आप ये सब्जी बना के एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। अगर आप दाल पीसते टाइम पानी ज़्यादा डाल देंगे तो यहाँ पे बेसन की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा और उससे टेस्ट हमारा इतना अच्छा नहीं आएगा जितना ये मसूर दाल और थोड़े से बेसन से आएगा। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम तीनों अंडे को यहाँ पे ग्रेट करके डालेंगे। आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला और अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। नमक डालेंगे हम स्वादानुसार। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें इसे पकोड़े की तरह इस तरीके से लेना है और तेल में डालना है। छोटे बड़े साइज आप अपने पसंद के अनुसार यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। अब हम पैन में डालेंगे 5-6 चम्मच तेल और तेल को हम पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल जब हमारा गर्म हो जाए गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे कर देंगे और एक एक हम इस तरीके से पकोड़े डालते जाएंगे। डालते टाइम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रहेगा और उसके बाद हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। तो एक बारी में जितना आराम से फ्राई हो सके उतना मैं डाल दूंगी। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम में एक तरफ 1.5 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। उसके बाद हम सभी एक एक करके पलट देंगे। 2 मिनट बाद एक एक करके सभी पीस को हम पलट देंगे और नीचे की ओर अच्छे से फ्राई हो गया है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलर आए हैं। और इस तरफ भी हम 1.5 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। इस तरीके से आप बना के
चाय के साथ भी खा सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी लगता है ये पकोड़ा। दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है, देखिए बहुत ही अच्छा कलर आए हैं। इससे ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे, निकाल लेंगे, प्लेट में रखेंगे और बाकी भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। बस हाई फ्लेम में हमें फ्राई नहीं करना है, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल जाएगा। सभी पकौड़े मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इसी तेल में डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी के और 2 छोटी इलायची। साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पे 1 मीडियम साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ा करके। गैस का फ्लेम हाई करके हम प्याज के कलर चेंज हो जाने तक फ्राई करेंगे। नमक डालेंगे हम स्वादानुसार। प्याज का कलर जैसे ही चेंज हो जाए हम डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन डालने के बाद हम 1 मिनट और भूनेंगे। अदरक लहसुन जब हमारा अच्छे से भून जाए हम डालेंगे ड्राई मसाले, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर और तीखा आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, 1 चम्मच जीरा पाउडर और डालेंगे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर। 1 मिनट और हम भूनेंगे। मसाले जैसे ही हमारा भून जाए हम यहाँ पे डालेंगे 1 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट। टमाटर डालने के बाद हम तब तक भूनेंगे जब तक साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। तो 2 से 3 मिनट हम मीडियम हाई फ्लेम में मसाले को अच्छे से भूनेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हो साइड से तेल अलग दिख रहे। अब हम डालेंगे यहाँ पे पानी। तो करीब 1 कप हम डालेंगे पानी। अब ये सब्जी आलू डाल के भी बना सकते हो, सेम इसी प्रोसेस से आपको बनाना है। बस आलू यहाँ पे जो आप देंगे उसे पहले फ्राई कर लीजिएगा और फिर ग्रेवी में डाल दीजिएगा। पहले हम ग्रेवी में एक बॉईल आने देंगे और डालेंगे हम 1/2 चम्मच गरम मसाला। ग्रेवी में जैसे ही बॉईल आ जाए हम एक एक करके यहाँ पे पकोड़े डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम ढक देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। चार मिनट बाद डालेंगे हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। एक बार हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। धनिया पत्ते डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है और गैस का फ्लेम भी हम बंद कर देंगे। और आप देख सकते हो ये देख के कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो हम सब्जी को एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस सब्जी की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।